वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा शो का आखिरी सेगमेंट होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ लाइटर मोड पर लेकर जाए, कुछ मेकअप के हवाले से बात करें। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, और यहाँ पर डेमो भी होगा, हमें ज्वाइन किया है जनाब शीबा ने, जो कि सीईओ है बेला डॉलर लाउंज की। इनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो शीबा, कैसी हैं? सो मच, आई एम गुड, परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा जनाब, शीबा के साथ साथ इनकी मेकअप टीम भी हमारे साथ मौजूद होगी, जो मेकअप हमें करके डेमो भी दिखाएंगे। सोनू ने हमें ज्वाइन किया है और हमारी मॉडल है पलक, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि आइंदा आने वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया या यूट्यूब का दौर है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस पर हम बैठे हैं, ये आने वाले वक्तों में हमें कहाँ नजर आएगा। लेकिन अब YouTube पे वीलॉगिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, जो कहने एक ट्रेंड भी पकड़ चुका है। बहुत सारे लोग इसके थ्रू अपना नाम भी बना चुके हैं। आज हमें ज्वाइन किया है इकरा कायनात ने, जो कि वीलॉगर हैं। वेलकम टू द शो इकरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। लवली। अच्छा, इकरा बेसिकली कैनेडा से आई है और ये शावीर जाफी के साथ, जो कि बहुत फेमस वीलॉगर है, उनके साथ काम भी करती है। और इकरा से हम जानेंगे, इकरा वीलॉगिंग बेसिकली अब देखो बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है इसका, लोग बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं, जिनके साथ आप भी काम कर रही हैं। जी, दे हैव अ बिग नेम। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं उनके साथ काम करती हूँ। मुझे उन्होंने 2 मंथ्स पहले अप्रोच किया था, शावीर जाफरी, जो बहुत फेमस हैं यूट्यूबर। वो पाकिस्तान में उनका बहुत नाम है, कैनेडा में उनका बहुत नाम है। वो एक्चुअली एक टीम क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड वी हैव अ मेंबर ऑफ 10 पीपल, तो हम लोग एवरी डे डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करते हैं, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। हम लोग स्किट्स करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो आजकल एवरीथिंग्स ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो जैसे आपने बोला कि आजकल का दौर सब कुछ ऑनलाइन है, आप कुछ भी पोस्ट करो लोग आपको उतना प्यार करें, देखते हैं। सही, लवली। अच्छा शीवा, आपकी जानिब आऊंगी। मेकअप ट्रेंड्स, मेकअप कभी भी पुरानी होता है, खवातीन ऑल टाइम इसके लिए रेडी होती हैं। बिल्कुल। आजकल अगर हम मेकअप की बात करें तो किस तरह का ट्रेंड है मेकअप का आजकल? जैसा भी आपने कहा कि मेकअप एक ऐसी चीज है कि जो कि कोई भी जो औरत है ना वो उसको अवॉइड कर ही नहीं सकती। हर औरत खूबसूरत लगना चाह रही होती है। इट डिपेंड करता है, हम पहले भी जैसे मैं अक्सर अपने जो मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं मैं उनको बताती हूँ कि जो मेकअप है हम उसको एक किसी बंदे के साथ कोई शेड या कोई लिपस्टिक या कोई भी हम लोग टोन है वो हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेकअप डिपेंड करता है कि आपका इवेंट किस वक्त है। आपके लिए मॉर्निंग इवेंट के लिए आपके लिए डिफरेंट मेकअप टोन्स यूज होती हैं, आपका अगर कोई इवनिंग का फंक्शन है उसके लिए अलग है, और रात का फंक्शन है उसके लिए बिल्कुल टोटली अलग होता है। अब हम लोगों ने ये देखना होता है कि क्योंकि फेस हमारा कैनवस है, उसके ऊपर हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं। आजकल ज्यादा जो है न्यूड शेड ज्यादा है, इन हो गए हैं, लाइट मेकअप है, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। क्योंकि आजकल जितना आप नेचुरल अपने आप को शो करते हो, दिखाते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो मेकअप है उसमें से कोई भी स्टेप हम लोग मिस करते हैं, बल्कि हम लोगों को ज्यादा केयरफुल होके आपके साथ प्ले करना हो रहा होता है। आपकी स्किन है उसकी कंटूरिंग कैसे करनी है, आपका लिप शेड है उसको हम लोगों ने कैसे एनहांस करना है, कौन से हम लोगों ने कलर्स को चूज करना है आपके आई कलर को देखते हुए, तो ये तमाम ये पूरा एक पैकेज होता है। तो ये कहना कि जी मॉर्निंग में हम लोग बस 2-3 चीजों के साथ ही प्ले करके एक परफेक्ट मेकअप लुक आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ऑब्वियसली मॉर्निंग में जो हमारे मेकअप होते हैं उसमें हमारी जो कॉस्मेटिक्स की जो आप कह लें कि सिलेक्शन है वो बहुत ईजी हो जाती है। हमें बहुत थिक लेयर मेकअप की हम लोग नहीं यूज कर सकते, सनलाइट हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, हमारी जो डे लाइट की वजह से हमें थिन लेयर्स ऑफ मेकअप पे हमें जाना चाहिए ज्यादातर। ठीक है, आई शेडोज जो है वो हमें पिंक में, पीच में, एप्रिकॉट पे जाना चाहिए। अच्छा शिवा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, अभी हम जो मेकअप अलग से कर रही है, आपके मेकअप आर्टिस्ट जो सोनू है किस तरह का मेकअप करेंगी, और इनका अटायर क्योंकि थोड़ा फॉर्मल है उसके साथ किस तरह का मेकअप जाएगा? अब अगर आप इनका पूरा अटायर देखें तो ये काफी फॉर्मल है और अच्छा खासा इस पे काम हुआ हुआ है। तो अगर हम बहुत ज्यादा हैवी मेकअप की तरफ चले जाएंगे तो वो हमारे अटायर और मेकअप को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो हम लोग इस वक्त इनका एक बहुत लाइट सॉफ्ट पार्टी मेकअप कर रहे हैं, जिसमें हम इनके जो फीचर्स हैं, माशाल्लाह शी इज वेरी प्रीटी ऑलरेडी, तो हम लोग जो इनके आए हैं उसको हम एनहांस हमें उसका ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं, और उनके चिक बोन्स हैं उनको हम एनहांस कर रहे हैं, लिपस्टिक हम लोग थोड़ा सा न्यूड शेड की तरफ जाएंगे। बिल्कुल लवली। अभी साथ साथ मेकअप के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। इकरा, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। आप लोग के जो स्केच होते हैं या जो आप लोग वीलॉगिंग करते हो उसमें आप बहुत नेचुरली चीज़ों को लेकर जाते हो, कि जो देसी एक केले घरों का सिस्टम होता है या वहाँ पर भी कनाडा में बेसिकली आप लोग जब करते हो तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के कल्चर हैं जो यहाँ से जाते हैं फैमिलीज में जिनके, तो क्या सोच कर वो लिखा जाता है, किस तरह से एक्ट करते हो, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग।
So basically, I've been living in Canada for quite some time. मैंने वहीं से अपनी education सब कुछ वहीं से किया है. लेकिन parents ने हमेशा महसूस नहीं होने दिया कि मैं Canada में रहती हूँ. तो vlogging का system भी यही है. जब हम vlog करते हैं, तो it's all हम सब kids के अलावा भी अगर हम कुछ भी करते हैं, तो वो एक natural आता है reaction. Whether हम लोग एक दूसरे को prank कर रहे हैं, whether हम लोग किसी audience से बात कर रहे हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि बहुत नेचुरल है. हमें कुछ ऐसे एक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. एंड अगर 10 लोग होते हैं एक घर में, तो उसका बहुत नेचुरल रिएक्शन निकलता है और वही उसको व्लॉगिंग कहते हैं. अच्छा, जब आपने व्लॉगिंग के साथ शुरू किया, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? दे वर लाइक कोई हैप्पी कि आप जिस तरह से देसी पेरेंट्स को और इन सारी देसी चीजों को करते हो, तो दे वर क्वाइट हैप्पी और नॉट? दे वर वेरी सपोर्टिव और मोर देन सपोर्ट. मैं कहूंगी वो लोग उसको मेरे साथ बैठ के देखते थे, उसको एंजॉय करते थे. अभी मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ, मेरे कजन्स बैठ के मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वो इतना हंसते हैं. वो कहते हैं कि यू नो यू आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री रियली नाइसली. मेरा ख्याल है आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, तो आपका कल्चर है हम लोग स्टिक करते हैं. देसी पेरेंट्स भी ऑलवेज भी देसी. ऑलवेज. और मुझे लगता है क्योंकि मेरी काफी फैमिली जो है मेरी, आप कह लें कि लंदन में है, तो अक्सर हम लोग वहाँ पे जाके, मैं कहती हूँ मुझे नहीं फील होता कि मैं यूके में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे. बहुत सारी जगह पे वो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट कि हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा कल्चर है, दुपट्टा इस तरह लो, कपड़े पहनो. अब शादी पे जाना है तो आप चाहे किसी भी वेडिंग पे जा रहे हो, आपको प्रॉपर आपका अटायर जो है ना, वो पाकिस्तान दूर से पता चलना चाहिए. पाकिस्तान आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल. वहाँ पे कोई भी वेडिंग हो, मेकअप से लेकर बाल से लेकर ड्रेसेस तक, वही वाला जो यहाँ पे पाकिस्तान में होता है कि हम शॉपिंग जा रहे हैं. एक हफ्ते पहले, लास्ट वीक वाज माय कजिन्स वेडिंग, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाल कैसे बनाने हैं, मेकअप कैसे करना है, कहाँ से करवाना है, कैसे, वो सब सेम सेम चलता है. सेम टू सेम. अच्छा, वीलॉगिंग के साथ साथ बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे जैद अली को आप देखें, बहुत सारे काम. जैद अली के साथ हम लोग कोलैबोरेट करते रहते हैं. हमने दो तीन दफा उनके साथ कोलैबोरेट किया. ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय ऑफ मैन. तो वो बहुत, इट्स लाइक आजकल सोशल मीडिया का है, अगर यू आर टैलेंटेड. आप और आप लोगों का तो ये एक प्लस पॉइंट है कि बहुत सारी दुनिया आप लोगों को पसंद करती है. पीपल लव यू फॉर दैट. अच्छा तिबा, जब हम मेकअप की बात करेंगे, सारा जब मेकअप ट्रेंड्स और डेफिनेट टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. बिल्कुल. कभी जैसे आजकल हम बात करें, ब्राइड्स भी न्यूज में जा रही हैं, कुछ पहले तो बहुत ट्रेडिशनल, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत उस तरह की लुक चाहते हैं. बिल्कुल ऐसे हैं जो कि बहुत हैवी उनका ड्रेस होता है और बहुत हैवी ज्वेलरी होती है. स्टिल दे वॉन्ट के वही दुल्हन को एक प्रॉपर दुल्हन नजर आना चाहिए. उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक कंप्लीट पैकेज हो, जब तक लदी बदी पूरा और छुपी भी ना हो मेकअप के अंदर, के बस आप चेंज कर, बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. वो एक्सपेक्ट करते हैं जो दुल्हन है वो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट. अच्छा, ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, चाहते हैं कि दुल्हन ना उसका चेहरा ही बदल जाए, चेहरा बदल जाए, फीचर्स बेचारी कुछ रह ही ना जाए. लेकिन अब कंटूरिंग है और आपके बहुत सी ऐसी आपके मेकअप टेक्निक्स हैं जिस तरह हम लोग हैं, तो फीचर्स को आप इन्हांस कर सकते हो. ये नहीं, और बहुत सी ऐसी ब्राइड्स हैं, अगर आप मेरा बेलाडोना लाउंज का पेज भी जाके देखें, तो वहाँ पे बल्कि कुछ फ्रेंड्स, तो जो मेरे मेल फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कजन्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम बहुत जुल्म करती हो, क्योंकि टोटल ट्रांसफॉर्म करके रख देती हो तुम लोगों को. तो और बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ माय ब्राइड एंड शी वाज प्रिटी, लेकिन वो चाह रही थी कि उसके फीचर्स जिस तरह के वो चाह रही थी, और जब वो दुल्हन बन गई, एंड ट्रस्ट मी 15 मिनट्स तक वो सिर्फ स्टेयर कर रही थी, और हम कह रहे थे तुम लेट हो रही हो. कहती नहीं, आई जस्ट वांट टू सी माय सेल्फ, मुझे देखना है मैं इतनी अच्छी. तो यही बात है, क्योंकि जो बेलाडोना लाउंज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई मेरे पास आता है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो स्किन हो, हमारे जो टीचर हैं, हमें यही कहा जाता है कि ये कह देना कि अगर कोई बंदा है, ख्वाहिश हर बंदा लेकर आ रहा होता है कि मुझे इस तरह लगना चाहिए, ये मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा हो जाना चाहिए, हम उनको रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, हम उनको वे आउट बताते हैं, जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है हम उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं. क्योंकि बेलाडोना लाउंज इज़ द लाउंज के जहाँ पे हम लोगों को उनकी ख्वाहिशात पूरी करने का जो है मौका दे रहे हैं, और हम लोग करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई करते हैं. पहले हम पूछते हैं आपको अपनी लुक कैसी चाहिए, मेकअप की चाहे लुक हो, चाहे आपका हेयर स्टाइल की लुक हो, चाहे आपका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो, जिस तरह ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे जो है फेमस जा रहे हैं बेलाडोना लाउंज के, वहाँ पे फिर हम उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो किस तरह उसको कर सकते हैं. अच्छा, जब आप सैलून पे जाते हैं ना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप काफी हद तक खुद भी सैटिस्फाई हो जाते हैं. क्योंकि जब तक बिल्कुल, दिस इज वर्ड के आप कस्टमर को एक्चुअली नॉर्मल जो प्रोसीजर किया जाता था, ये रूटीन थी, उसमें होता था कि आप बैठते थे और सब ब्राइड्स एक लाइन में बैठी हैं और एक ही लड़की है, उसने स्पंज पकड़ा हुआ और सबको एक बेस लगा दिया, एक ही आई शेडोज है. नहीं,
यही वजह है कि हमारे यहाँ स्पेशली जो मेरा मैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, मैं यही कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, हर इंसान को इंडिविजुअली आपने अलग आइडेंटिटी के साथ आपने ट्रीट करना है. आप प्रॉपर कंसल्ट करें. हमारा ये नहीं होता है कि आप अगर आते हैं तो स्टेप इन करते हैं और हम बिठा के शुरू कर देते हैं. प्रॉपरली पहले कंसल्टेंसी मैं करती हूँ, उसके बाद जो भी मेरा डिपार्टमेंट है, स्किन है तो स्किन की जो मेरी स्पेशलिस्ट हैं रीटा वो उनको डील करती हैं. अगर हमारी जो है हेयर की स्पेशलिस्ट आमना है वो उनको डील कर रही होती है, मैं खुद डील करती हूँ. मेकअप में सोनू से हमारी कंसल्टेंसी प्रॉपर की जाती है, उसके बाद फिर हम लोग मेकओवर करते हैं. इसी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा आपको एक डिफरेंस फील होता है कि आप कहीं से, और हमेशा मेरा रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आया है. बिल्कुल हो गया. अच्छा, आपकी जानिब आऊंगी इकरा. अभी आप पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए आई हैं जी, तो यहाँ से जाके कुछ प्लान है बनाने का? हम लोग डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करते हैं. I'm an aspiring, like basically मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो I'm just waiting for the right opportunity to be like knocked on to my door. But for you're now, you're an actress. आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर बननी है भाई, आपने और क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सबका it's everyone's support and love towards me. लेकिन अभी जाके वही व्लॉगिंग, इट्स लाइक डेली बेसिस एंड एवरीथिंग. लवली लवली. हम इकरा और शीबा से और भी डिस्कशन करेंगे. डेमो जाइए जनाब, मेकअप हो रहा है, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.